हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जैसे तरंग गति को लगातार पढ़ रहे हैं, वेव मोशन को हम लगातार कंटिन्यू अपने स्टडी में बनाए हुए हैं। तो अभी तक हमने जो तरंग गति के प्रकार, तरंग गति किसे कहते हैं, प्रकार की हमने बात की थी, अलग-अलग थिंग्स के आधार पर, बहुत सारे कारकों के आधार पर कह सकते हैं आप। उसके बाद में आपने अनुदैर्ध्य तरंग का सूत्र, अनुप्रस्थ तरंग का सूत्र और भी कई बहुत सारे तरंग फॉर्मूले भी आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी समझाया था कि कौन कौन सी टर्म्स हमारे लिए, हम तरंग गति में पढ़ेंगे, जो यूजफुल होने वाली हैं आने वाले टाइम्स में, उन टर्म्स की भी हमने बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगे। तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगे, इंग्लिश में बात करें तो ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेचिंग स्ट्रेस, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेचिंग स्ट्रेस। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि मान लो कि आपके पास में कोई दृढ़ आधार है, यानी कोई रिजिड पार्ट है, आपने यहां से किसी रस्सी को बांध दिया है, ठीक है, यहां से बांध दिया है इस रस्सी को, और यहाँ पे कोई आपने वेट लटका दिया है। तो डोरी में क्या होता है कि कुछ वाइब्रेशंस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है, कंपन करना डोरी प्रारंभ कर देती है, ठीक है। अब जैसे वाइब्रेट होती रहेगी तो उस केस में अपने को थ्योरी पर जाना नहीं ज्यादा, क्योंकि अपने कॉम्पिटिशन पढ़ना है इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए। तो हम जो इसमें बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ याद रखना है, पहले तो हमारे पास तनी हुई डोरी होगी, उसमें हम लास्ट लेक्चर में निष्पंद प्रस्पंद की बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, जब कभी भी आपसे निष्पंद की बात की जाएगी, निष्पंद की और प्रस्पंद की, बच्चों केवल मैं इस लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप कंटिन्यू याद रखें, जब कभी निष्पंद की बात करेंगे तो निष्पंद जो है वो कहां पे बनेगा, दृढ़ सिरे पर। कहां पे बनेगा, दृढ़ सिरे पर बनेगा। जहां कहीं भी डोरी का, किसी पाइप का दृढ़ सिरा होगा वहां पे क्या बनेगा, निष्पंद, और जहां पे खुला सिरा होगा, खुला सिरे पर यानी कि ओपन पॉइंट पर प्रस्पंद बनेगा, और निष्पंद कहां पे बनेगा, दृढ़ सिरे पर बनेगा। ये तो आप कॉमन है, ये हर टॉपिक में आपने काम नहीं बनाया, ठीक है, ये तो ध्यान रखना। दूसरी बात, अब हम आगे बात करते हैं कि इस तनी हुई डोरी में जो अनुप्रस्थ तरंग है उसके लिए हम फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। उससे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें जो प्रस्पंदों की संख्या होगी ये क्या होगी, निष्पंदों की संख्या -1। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई डोरी दो भागों में कंपन कर रही है, दो भाग का मतलब आप एग्जाम्पल सुंदर हम अपनी बाद में बात करेंगे क्या होता है, क्या है, एक ये भाग हो गया, एक ये हो गया। यानी कोई भी डोरी अगर दो भागों में कंपन कर रही है, दृढ़ आधार हो गया डोरी का। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था यहां पे क्या बनता है, नोड्स बनते हैं, और ये ओपन पार्ट है, यहां पे क्या बनता है, एंटी नोड्स बनता है, जिसको आप प्रस्पंद कहते हैं। तो गाइस ये जो एंटी नोड्स है जिसको हम प्रस्पंद कह रहे हैं, इस ये तीन नोड्स हो गए और दो क्या हो गए, अपने एंटी नोड्स हो गए। तो यानी कि इसमें भी क्या बना, निष्पंद 3 बने, -1 प्रस्पंद कितना हो गए, 2 हो गए। तो आपने ध्यान रखना है कि इस केस में जब कभी भी अपन किसकी बात करेंगे, एंटी नोड्स की बात करेंगे, ये क्या होता है, नोड्स होता है, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, ऑलवेज 1 मैक्सिमम होगा किससे, नंबर ऑफ एंटी नोड से, ये गाइस आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने अभी आप अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र भी पढ़ चुके हैं। ये सब क्यों लिखना, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ने वाली है तरंग की चाल, कौन सी तरंग की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम अनुप्रस्थ तरंग की। अभी आपने कल परसों ही फॉर्मूला ड्राइव किया था, बी बराबर टी अपॉन एम, आप ड्राइव करके आ चुके हैं इसको, इस फॉर्मूले को भी, बी बराबर टी अपॉन एम को भी आपने ड्राइव कर लिया है। टी तनाव होता है, एम क्या होता है आपका, आप कह सकते हैं कि लंबाई का द्रव्यमान। तो B बराबर T अपॉन M को भी आप याद कर चुके हैं। अब तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल की बात की तो फॉर्मूला तो ये हो गया।
अब अगर हम तन्वी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की आवृत्ति की बात करें, किसकी बात करें, तन्वी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं, तो आवृत्ति के लिए क्या होगा उसकी बात करते हैं। आपने सूत्र पढ़ा होगा नॉर्मल केसेस में बी बराबर एन लैम्डा। ये जो बी बराबर एन लैम्डा होता है, इसमें बी क्या होती है, तरंग की चाल होती है, एन आवृत्ति होती है, और लैम्डा क्या होता है, तरंग। तो अब आप कहोगे इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का इससे क्या रिलेशन है, तरंग की आवृत्ति का बिल्कुल रिलेशन है। तो अगर यहां से आपसे आवृत्ति की बात की जाए, तो आवृत्ति एन बराबर वी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमारे पास में v की वैल्यू तो है, कितनी है, t अपॉन m, और हम इसको n बराबर 1 अपॉन लैम्डा रूट t अपॉन m भी लिख सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये नॉर्मल फॉर्मूला। अगर आपसे साधारण फॉर्मूला कहता है कि नॉर्मल फॉर्मूला कि आपसे कहे कि तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल का सूत्र होता है, तो बच्चों ध्यान रखें एन बराबर वन अपॉन लैम्डा अंडर द रूट टी अपॉन एम इसका सूत्र होता है, अगर आपसे नॉर्मल केसेस में बात करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अभी तक हमने केवल नॉर्मल बेसिस की बात की है, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें भी। इसके बाद में कंपन की मूल विधा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंपन की मूल विधा। तनी हुई डोरी है और कंपन कर रही है, उसकी हम मूल विधा की बात करते हैं। मैं यहां से आपको बहुत चीजें समझाने वाला हूं, आप ध्यान दें। कंपन की मूल विधा, अभी आपने कंपन की मूल विधा मतलब आपके पास में कोई डोरी है, आपने उसको यहां से लेके लेट सपोज यहां तक बांधा हुआ है, ये दोनों पार्ट क्या हो गए, ये दोनों पार्ट आपके दृढ़ आधार हो गए। क्या हो गए, दृढ़ आधार हो गए। अब आप क्या करते हैं इसके बाद में, इस दृढ़ आधार में आपने क्या किया कि इस तरीके से डोरी को बाइलेट कराते हैं कि डोरी केवल और केवल एक भाग में कंपन करती है, यानी कि ये तो दोनों क्या होगी, मान लो कि ये एक्स बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये एक्स बराबर आप लेंथ ले सकते हो टोटल लोहे की, एल भी ले सकते हो, एक्स बराबर 1 भी ले सकते हो, एल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और इस डोरी की लेंथ कितनी है बच्चों, पूरी की पूरी लेट अस सपोज एल लेंथ है, ठीक है। जब एल लेंथ है, आपने भी कहा था कि ये डोरी दोनों सिरों से बंधी हुई है, आप इसको बीच में से पकड़ के इस तरीके से खींचते हैं कि डोरी केवल एक भाग में कंपन करे। जब कभी डोरी एक भाग में कंपन करेगी, तो जो डोरी का बंद वाला सिरा है, आपने कहा था बंद सिरे पर क्या बनता है, निष्पन्न बनता है, नोड्स बनते हैं, और खुले सिरे पर क्या बनता है, एंटी नोड्स बनता है। या आप अभी लेंथ से पढ़ चुके हैं, मैंने भी कहा था आपसे। दूसरी बात, सबसे कॉमन बात, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप कह चुके हैं एंड टू एंड, एंड टू एंड का मतलब निष्पन्न से निष्पन्न की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाई कितनी होती है, लैम्डा बाई टू, क्योंकि एन टू है लैम्डा बाई फोर, ए टू एन ऑल्सो लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, दोनों को ऐड करो कितना बचेगा, लैम्डा बाई टू बचेगा। या कैसे याद रखें, एन टू वन कितना होता है, लैम्डा बाई टू होता है। अब यहां से अगर आपसे बात की जाए लैम्डा पॉइंट टू बराबर है इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अभी आपके पास में तरंग वेव का जो फॉर्मूला था, वेव फॉर्मूला था एन बराबर आवृत्ति के लिए 1 अपॉन लैम्डा अंडर रूट टी अपॉन एम। हम मूल विधा की बात कर रहे हैं, इसको एन वन कह सकते हैं, इसको लैम्डा वन कह सकते हैं, लैम्डा वन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एन वन इक्वल टू 1 अपॉन 12 अंडर रूट टी अपॉन एम, ये कंपन की मूल विधा या प्रथम सन्नाती आवृत्ति कहलाती है, फर्स्ट टोन कहलाता है, ये फंडामेंटल फर्स्ट अपनी विधा कहते हैं, फर्स्ट नंबर की जो हम बात करें। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, ये सब आप किस केस में पढ़ रहे हो, ये सब आप उस केस में पढ़ रहे हो जब डोरी को हम केवल एक भाग में वाइब्रेट करा रहे हैं, ठीक है। कंपन की दूसरी विधा या
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपन की या प्रथम अधिस्वरक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये प्रथम अधिस्वरक, ये प्रथम अधिस्वरक नहीं होता है, याद रखना है आपको ये प्रथम अधिस्वरक नहीं होगा। ये वाला सेकेंडरी जो हमारी विधा होगी या द्वितीय संध्यावृत्ति होगी वो क्या होगी, हमारी प्रथम अधिस्वरक होगी। इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो डोरी है इसको हम दो भाग में बांट रहे हैं, याद रखें, याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट मूल विधा में एक भाग में, दूसरी में दो में, तीन में तीन में, इस तरीके से आप डिवाइड करते हुए। ये फिर से वो इसके क्या दृढ़ आधार है, लेंथ कितनी है, लेंथ, अच्छा हाँ, आप इसमें डोरी की लंबाई चेंज नहीं करेंगे, बस डोरी को एक भाग या दो भाग में लगातार आप कंपन कराएंगे, आप कभी भी डोरी की लंबाई को चेंज नहीं करेंगे। यहां पे क्या बनता है, यहां पे आपका दृढ़ बंध सिरा है, दृढ़ सिरा एन, खुले सिरे पर एन, ए और एन। तो देखो एन से एन की दूरी लैम्डा बाई टू, फिर एन से एन की दूरी लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू कितना होता है, कुल मिला के लैम्डा होता है, सेकेंडरी लैम्डा टू कह सकते हो आप। तो आप याद रखें, आप कहोगे सर ये का मतलब क्या, देखो एन से लैम्डा बाई फोर, फिर ए से एन पे आओगे लैम्डा बाई फोर, तो टोटल कितना होगा, इतना वाला पार्ट कितना होता है बच्चों, ये लैम्डा बाई टू होता है, फिर ये वाला भाग कितना होता है लैम्डा बाई टू, ये वाला भाग कितना होता है लैम्डा बाई फोर, ये वाला भाग कितना होता है लैम्डा बाई फोर, ये वाला भाग लैम्डा बाई फोर, ये वाला भाग लैम्डा बाई फोर, इस तरीके से होता है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अपने लिए ये ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा वैल्यू हो जाएगी। तो अपने पास फिर से ये फॉर्मूला होता है, सेकेंडरी हार्मोनिक टोन की बात कर रहे हो, प्रथम अधिस्वरक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें, प्रथम अधिस्वरक लैम्डा एन टू इक्वल टू ऑल्सो वन अपॉन लैम्डा का मतलब वन अपॉन लैम्डा टू, ठीक है, और लैम्डा टू किसके इक्वल है, यहाँ पे एल के इक्वल है, ठीक है, और रूट में कितना है हमारे पास में टी अपॉन एन, कितना आ जाएगा वन अपॉन एल टी अपॉन एन, ये कितने बराबर है एन टू के बराबर है। मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, और अपन क्या लिख सकते हैं इसको, एन टू इक्वल टू वन अपॉन टू एल, ऐसा क्यों लिखा, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों, ये एन वन के बराबर आ गई, एन टू बराबर टू एन वन, इक्वेशन नंबर वन बोल देना, इक्वेशन नंबर इसको वन बोल देना, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है, ये क्या था हमारे पास में दूसरा अधिस्वरक। अगर आपसे कहता है कि दूसरे अधिस्वरक के लिए दूसरा अधिस्वरक के लिए आवृत्ति का मान होता है, तो बच्चों याद रखो टू एन वन होता है या वन अपॉन एन रूट टी अपॉन एम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और भी इसमें तो क्वेश्चन बनेगा, उसको बता दूंगा मैं आगे आगे चलने पे, जब आगे चलेंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा क्या करना है अपने को, ठीक है। ये सब हमने किसकी बात की अभी तक, ये हमने केवल द्वितीय विधा या प्रथम अधिस्वरक की बात की है, मूल विधा थी, द्वितीय संन्यादि आवृत्ति भी कहते हैं उसको, ये द्वितीय संन्यादि भी होती है, ये मूल विधा भी होती है, ठीक है, ये प्रथम संन्यादि भी होती है, समझा रखना, ये प्रथम संन्यादि भी कहते हैं इसको, प्रथम संन्यादि भी कहते हैं, और इसको हम द्वितीय संन्यादि भी कहते हैं, प्रथम, लेकिन अधिस्वरक कौन सा कहते हैं, प्रथम अधिस्वरक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, देखो आपने यहां पे द्वितीय विधा की बात की, प्रथम अधिस्वरक की बात की, अगर आप यहां पे कंपन की तृतीय विधा या अगर आप बात करते हैं कंपन तृतीय विधा या द्वितीय सेकेंडरी ओवरटोन अधिस्वरक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, या तृतीय संन्यादि, इन सब की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था आप ऐसे याद रखें, जब आप डोरी को वन पार्ट में बाय बाय करवा लेते तो आपने केवल एक पार्ट किया था, दो में दो, तीन में तीन, तो थर्ड पार्ट है यहाँ पे, तो कितने पार्ट्स में बाय बाय कराओगे इसको,
तीन पार्ट्स में। ठीक है, थोड़ा सा एंड करना, कोई फर्क नहीं। तीन पार्ट में उसको बार बार करेंगे। ये क्या है स्टोरी का ब्लड पार्ट। तो अपने को क्या है, डोरी की लेंथ तो चेंज करनी बिल्कुल भी नहीं, लेंथ बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। आपने पता है वही अपने पास में जो दृढ़ाधार है, जो इसकी सीमा जो लिमिट्स है वो 0 से L लेंथ में, इसी भाग में सारा काम होगा, इसी में वायरमेंट होगी। यहाँ पे क्या बनता है, नोट्स बनता है, नोट्स बनता है, नोट्स बनता है, नोट्स बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, एंटी नोट्स। तो कितने इंस्पन बने इसमें, चार नोट्स बने और एंटी नोट्स कितने हो गए, तीन। अब आपसे पूछता है कि ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है कि तृतीय या द्वितीय सेकेंडरी को ऐसा बोल सकता है अधिस्वरक की स्थिति में कुल कितने एंटी नोट्स यानी कि पर्सपन बनते, कुल कितने नोट्स बनते हैं, ये भी आप माइंड में रखो। लेकिन आप ऐसे याद रखो कि सीधा सा आपको यह है कि जोन सी भी अपने पास में विधा होगी या जोन सी भी अपने पास में आवृत्ति होगी, जोन सी भी आवृत्ति होगी या जो भी हमारे पास में विधा होगी, उतने के उतने क्या बनेंगे हमारे पास में, प्रस्पंद बनेंगे। क्या बनेंगे, उतने के उतने प्रस्पंद बनेंगे। अब उतने प्रस्पंद बनेंगे तो निष्पंद क्या होगा, निष्पंद ऑलवेज प्रस्पंद से एक ज्यादा बनेगा। जैसे हम अभी यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड में कुल मिलाकर मैंने कहा उतने ही प्रस्पंद बनेंगे तो तीन प्रस्पंद बन गए। निष्पंद क्या हो गया, निष्पंद क्या हो गया, प्लस वन हो गया, चार क्या हो गए हमारे पास में, निष्पंद हो गए। अब इसमें कैसे डिस्टेंस अपन लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लैम्डा के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें एन टू एन lambda by 2, n to n lambda by 2, फिर n to n lambda by 2, ठीक है। n to a कितना होता है, lambda by 4, a to n lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, और ये वाला भी lambda by 4। तो lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2 कितना हो गया बच्चों, 1 और 1 half and half, 1 and half, 1 and half। इसको आप लिख सकते हो 3 लैम्डा बाई 2। आप थर्ड की बात करो 3 लैम्डा 3 लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो यहां से गाइस 3 लैम्डा 3 अपॉन 2 बराबर L, लैम्डा 3 बराबर 2L अपॉन 3, ठीक है। अगर आप आपसे कहता है कि यहां से n 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन लैम्डा 3 और एंट्रोपी अपॉन m होता है, तो 1 अपॉन लैम्डा 3 मतलब उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 2l अंडर रूट 1 अपॉन t अपॉन m। आप इसको n 3 बराबर 3n1 भी कह सकते, n 3 बराबर 3n1 भी इसको कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, n1 के बराबर। तो n3 बराबर 3n1 अपने को टर्म्स मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने अभी तक इन सब की वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद में देखो, अगर हम यहां से आपसे कहे कि विधाओं का अनुपात, आपसे कहता है विधाओं का अनुपात या सनादियों, सनादियों मतलब यहां पे आवृत्ति से बच्चों, फ्रीक्वेंसी से का अनुपात अगर आपसे पूछता है तो n1 रेशियो रेशियो n3 ये और भी, यानी कि हम इसमें एक लाइन लिख देते हैं कि इस तरीके से हम और भी ओवरटोन और भी आवृत्तियों को और भी विधाओं की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो n1 रेशियो n रेशियो n2 रेशियो n3 तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड से, तो n1 रेशियो n2 रेशियो n3 इक्वल्स टू, बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1 रेशियो 2 रेशियो 3,
ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, और उस एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि तनी हुई डोरी में किस प्रकार के सन्नाति स्वर उत्पन्न होते हैं। तो गाइस आपको दिख रहा है इसमें इवन भी है ओड भी है, तो यानी कि हम कह सकते हैं सम तथा विषम दोनों प्रकार के। सन्नाति स्वर, सन्नाति स्वर कह सकते हैं या आवृत्तियां। किसमें? तनी हुई डोरी में। तो आपने स्पेशली ध्यान ये रखना है कि आपसे कहता है कि हमारे पास में कोई तनी हुई डोरी है, उस तनी हुई डोरी में किस प्रकार के यानी कि इवन भी ओड भी बोथ टाइप्स ऑफ हार्मोनिक कैन बी जनरेट इन स्ट्रेचिंग स्टेट्स। इंग्लिश में बात करें तो हमारे पास में जो तनी हुई डोरी है स्ट्रेचिंग स्ट्रेस है, उसमें इवन भी और ओड भी बोथ टाइप्स के हम क्या ओवरटोनिंग थिंग्स कैन बी जनरेट इन स्ट्रेचिंग स्ट्रेस, हम इसे जनरेट कर सकते हैं इवन और बोथ टाइप्स के जो हमारे पास में टोन है। अब देखो ये तो मैंने किसकी बात की, याद रखना मैंने यहां पर कहीं पर भी मैंने अधिस्वरक का नाम नहीं लिया है, ओवरटोन का मैंने नाम कहीं पर भी नहीं लिया है। अब इसमें सबसे वेरी वेरी मोस्ट आप लर्न करें इसको, अधिस्वरकों का अनुपात। गाइस आप बिल्कुल ध्यान रखें 2:3:4:5 इस तरीके से, इसमें 1 नहीं आएगा, क्योंकि हम जब कभी भी अनुपात की बात करते हैं तो अनुपात में हम जब भी अनुपात की बात करेंगे तो हम कहां से लेंगे अनुपात को, हम 1 से नहीं लेंगे क्योंकि 1 हमारा होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है द्वितीय सन्नाति आवृत्ति या प्रथम अधिस्वरक होता है, और प्रथम अधिस्वरक का मतलब कहां से होता है 2 से स्टार्ट होता है। जब कभी भी हम प्रथम अधिस्वरक की बात करें तो हम कहां से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेकंड से। तो 2:3:4:5 ये क्या होगा हमारा, ये हमारा अधिस्वरकों का अनुपात होगा। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछ रहता है, वेरी वेरी मोस्ट मार्क करना। अधिस्वरक जब भी स्टार्ट होंगे फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो अधिस्वरक होगा। तो 2:3:4:5 आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक मैं बता दूं आपको इसमें कंसेप्ट ऐसे लर्न कर सकते हैं। आप बता रहा हूं आपको कि इसमें कंसेप्ट और हो सकता है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स की बात करता हूँ, आप तो किसी तरह से इतना लंबा थोड़ा याद कौन रखेगा। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे याद रखें, शॉर्ट ट्रिक्स में अब बच्चों आप याद रखें अधिस्वरक इक्वल्स टू, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है अधिस्वरक इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी स्टार्ट 1 से हो रही है, अधिस्वरक स्टार्ट 2 से हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अधिस्वरक इक्वल टू आवृत्ति प्लस 1, ये याद रखें। यानी कि अगर आप प्रथम अधिस्वरक की बात करते हैं तो इसमें आवृत्ति में आप 1 जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपका अधिस्वरक का रेशियो आ जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं अधिस्वरकों का अनुपात, या और अगर मैं लिखूं इसको अधि स्वरकों का अनुपात इक्वल्स टू आवृत्ति का अनुपात प्लस 1, ये भी आप याद रखें, ये भी लैंग्वेज दोनों में से कोई सा रखें। दूसरा, अभी तक आपने 1, 2, 3 पार्ट्स में डोरी को बाइब्रेट कराया, अगर आप कैसे कोई कहे यदि डोरी पी भागों में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बच्चों, में कंपन करे तो कितने भागों में, पी भागों में। आपने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, आपने देखा होगा जिस भाग की भी आप बात करते हैं, 1 की बात की 1/12 लिख दिया था आपने, 2 की 2/12 लिख दिया था, 3 के लिए 3/12 लिख दिया था, लेकिन अभी आप बात किसी कर रहे हैं पी भागों की, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एनपी, ये तो टी अपॉन एम ही रहेगा, पी भागों में कंपन कर दो पी अपॉन 12, कब जितने भागों में कंपन कराए।
ठीक है, अगर आपसे कहता है कि 100 भागों में कंपन करती है तो 100/2L आपसे न्यूमेरिकल बन जाता है। कई बार न्यूमेरिकल बनता है, उस न्यूमेरिकल में ये बनता है कि कोई डोरी 10वें और 12वें भाग में, ठीक है, 10वें और 12वें भाग में कंपन करती है तो उसकी आवृत्तियों का अनुपात कितना होगा। तो पी की जगह आप जो वैल्यू है उन वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है, एक तो याद ही रखें। नंबर थर्ड कंसेप्ट, जितने पार्ट्स में कंपन करे पी की जगह आप पुट कर देना, 1 में करे 2 में करे 6 में करे, P/12 से आप लर्न कर लेना, ठीक है। निष्पंद की संख्या, मैं प्रश्न संख्या आपको स्टार्टिंग फिर से लिख देता हूं, देखो प्रश्नों की संख्या यानी कि एंटी नोट्स, नंबर ऑफ एंटी नोट्स इक्वल्स टू निष्पंद यानी कि नोट्स की संख्या -1, ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखें। आपसे पूछ सकता है कि कितने बनेंगे तो भी आप याद रखें, ठीक है। ये 3 केसेस की बात हुई। इसके बाद में एक केस जो और होता है इसमें, वो केस ये है, अगर आपसे कहता है कि आवृत्ति के लिए सामान्य सूत्र या तरंग दैर्ध्य के लिए सामान्य सूत्र, अगर आपसे कहे तरंग दैर्ध्य, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, तरंग दैर्ध्य के लिए सामान्य सूत्र याद रखें, लैम्डा बराबर 12/n, n क्या है यहाँ पे 1, 2, 3 डिग्री। इसका मतलब समझो, इसको इसका कहने का मतलब क्या है, लैम्डा बराबर 12/n आपसे कहा जा रहा है कि डोरी एक भाग में कंपन कर रही है, कितने भाग में, एक भाग में, एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे कहे एक भाग में कंपन करती है तो n की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू 2n, ठीक है। ऐसे आप और भी समझ सकते हैं इसको, तो आप याद रखें कब, जब डोरी एक भाग में कम 2 में कर रही है, 100 में कर रही है, कितने, तो उस टाइम पर तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो आप बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधे यहां से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे तरंग दैर्ध्य के अलावा आवृत्ति की बात करें, n बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा था b बराबर n लैम्डा, n बराबर v अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है आपके पास में कितनी है, 2 सॉरी 12 अपॉन v, तो ऐसे रहेगा आपके पास में, या n भी कह सकते हो उसको, अपॉन 2l, ये किसके लिए फॉर्मूला है, आपका आवृत्ति के लिए। ये n क्या है, कैपिटल n ये भागों की संख्या है बच्चों, और स्मॉल n आपकी, ये आपकी आवृत्ति है, कंफ्यूज मत होना। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, आपको सब जो आपने डिटेल में पढ़ा है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स ये होगी, आपसे कहता है कोई डोरी एक भाग में कंपन करती है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, एक भाग का मतलब n का मान 1 तो v अपॉन 12 हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो इसका भी, यदि डोरी आपके पास में जो स्प्रिंग स्ट्रेस है एक भाग में कंपन करे तो आवृत्ति कितनी होगी, n की वैल्यू 1, n की n 1, n का मान 1, v अपॉन 12, और v बराबर क्या होता है यहाँ पे t अपॉन m, ये वाला कंसेप्ट भी आपने ध्यान रखना है। तो अभी तक हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अभी तक आपने ये सब शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट किसका है, तन्वी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों के लिए फॉर्मूला था, ये आपने लर्न करना है या ये ट्रिक्स पे ध्यान देना है, जो आपने अच्छा लगे वो आप देख लेना, इनसे ही आपको मुझे लगता है पूरा का पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इन 5 ट्रिक से ही। वो तो मैंने डिटेल में भी आपको समझा दिया पहले, लेकिन ये 5 ट्रिक्स ही आपको क्लियर कर देगी कि आपने कंसेप्ट को किस तरीके से फॉलो करना है। और गाइस दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक बात और इसमें, ये आपने वाइब्रेशन की बात की, इसके बाद में कुछ नियम्स भी होते हैं तली हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों के नियम, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें, और आप कोई भी कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं,
और दूसरी बात, अगर आपको कोई सुझाव है सुझाव भी दे सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई अगर इस लेक्चर में ये लगता है कि सुधार हो सकता है तो वो ही बता सकते हैं मुझे। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका आपके रिलेटेड वो भी आप पूछ सकते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू नेक्स्ट माई लेक्चर।